हेलो स्टूडेंट्स वेलकम ऑल हम आज कर रहे हैं चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ द एटम और इस चैप्टर के पार्ट वन की वीडियो में हम कर चुके हैं मॉडल्स ऑफ द एटम आज पार्ट टू की जो वीडियो है उसमें हम करने जा रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ वेरियस एटम्स तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है इसके लिए बोहर एंड बरी ने हमें एक स्कीम दी है क्या पॉइंट्स हैं इस स्कीम के पहला पॉइंट है द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन शेल इज गिवन बाय द फॉर्मूला टू एन स्क्र एन क्या है एन है ऑर्बिट नंबर या फिर एनर्जी लेवल इंडेक्स जिसको हम वन टू थ्री फोर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं एटम के अंदर कौन से कौन से शेल्स होते हैं जिनमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूट होंगे के शेल है एल शेल है एम शेल है और एन शेल है हम पहले इनके बारे में पढ़ भी चुके हैं बोहर्स मॉडल ऑफ एटम में और एन की वैल्यू जो है K के लिए वन होती है एल शेल के लिए टू एम शेल के लिए थ्री और एन शेल के लिए फोर होती है अब हमारे पास जो फॉर्मूला है टू एन स्क्वा हम ये वाला फॉर्मूला जो है इसके अंदर एन की वैल्यू पुट करेंगे जैसे कि अगर हम एन की वैल्यू वन पुट करते हैं तो क्या आता है तो ये आ जाता है टू इट मीन्स कि के शेल के अंदर मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं अब हम बात करते हैं एल शेल की एल शेल में एन की वैल्यू क्या है टू टू एन स्क्वायर में एन टू फिल करो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी एट आ जाएगी यानी कि एल शेल में मैक्सिमम एट इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसी तरह से एम शेल के लिए एन की वैल्यू क्या होती है थ्री तो अगर हम इस फॉर्मूला में एन की वैल्यू थ्री पुट करते हैं तो वैल्यू आ जाती है एटीन इट मीन्स एम शेल में मैक्सिमम एटीन इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं अठारह इलेक्ट्रॉन्स अब एन शेल की बात करते हैं इसमें क्या है एन की वैल्यू फोर एन की वैल्यू फोर यहाँ पर पुट करो आपके पास क्या वैल्यू आएगी थर्टी टू इट मीन्स कि के शेल में मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एल शेल में मैक्सीम एट इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एम शेल में मैक्सिमम एटीन इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और एन शेल में मैक्सीम थर्टी टू इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और आउटर मोस्ट ऑर्बिट मैक्सीम एट इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है और इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो स्टेप वाइज फिल किए जाएंगे इस शेल में यानी कि इनर शेल में पहले फ़िल होंगे इलेक्ट्रॉन्स फिर अगले शेल में जाएंगे ये नहीं है कि के में फिल हो एल में कर दें ऐसे नहीं होगा तो पहले इनर शेल में इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे फिर अगले शेल में जाएंगे यानी कि स्टेप वाइज मैनर में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी डिस्ट्रीब्यूशन होती है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन हम और भी डिटेल में स्टडी करेंगे लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की ज़्यादा डिटेल में जाने से पहले हम एक दो टर्म्स देख लेते हैं सो so दैट हमें जो है सारी क्लैरिटी हो जाए अटोमिक नंबर क्या होता है अटोमिक नंबर क्या है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस इसी को हम अटोमिक नंबर कहते हैं और इसको जेड लेटर से यानी कि कैपिटल जेड से डिनोट किया जाता है और एक एलिमेंट के सारे एटम्स जो हैं उनके अंदर सेम अटोमिक नंबर ही होता है हम एग्जांपल लेते हैं जैसे कि हाइड्रोजन के लिए जेड की जो वैल्यू है वो है वन इट मीन्स हाइड्रोजन के अंदर एक प्रोटोन होगा ठीक है ना इसी तरह से अगर कोई एलिमेंट है जैसे कि कार्बन है उसके अंदर Z की वैल्यू जो है वो है छस इट मीन्स इसके अंदर छः प्रोटोन्स होंगे तो एक एलिमेंट के जितने भी एटम्स हैं उनके अंदर सेम एटॉमिक नंबर ही रहेगा अब हम बात करते हैं मास नंबर की मास ऑफ द एटम जो है ना वो किसके बराबर होता है मास ऑफ द प्रोटोन्स एंड न्यूट्रॉन्स के क्यों क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास तो हम निगलिजिबल मानते हैं तो फिर मास नंबर क्या है टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। क्योंकि प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं इसलिए प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को हम न्यूक्लियॉन्स भी कह देते हैं सो दीज आर ऑल्सो नोन एज न्यूक्लियॉन्स और कहाँ पे होते हैं न्यूक्लियस में होते हैं इसलिए हम कहते हैं कि किसी भी एटम का जो मास है वो न्यूक्लियस के अंदर ही कंसनट्रेटेड होता है जितने भी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स किसी एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर होंगे हम इनको ऐड करेंगे हमारे पास आ जाएगा मास नंबर सो इट इज़ द सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ द एटम इन द नोटेशन फॉर एन एटम द अटोमिक नंबर एंड मास नंबर एंड सिम्बल ऑफ द एलिमेंट आर रिटर्न एज दिस मान लीजिए हमारे पास कोई एलिमेंट है जिसका सिंबल है एक्स तो अटोमिक नंबर और मास नंबर कैसे लिखना है कि मास नंबर जो है वो ऊपर की तरफ यहाँ आएगा और अटोमिक नंबर जो है वो नीचे की तरफ आएगा मास नंबर को हम ए लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे अटोमिक नंबर को जेड से एक्स क्या है सिंबल ऑफ द एलिमेंट ऊपर आ जाएगा मास नंबर और नीचे की तरफ आ जाएगा यहाँ पर अटोमिक नंबर तो तो इस तरह से ये नोटेशन जो है किसी एटम के लिए यूज़ की जाती है अब हम देखते हैं कि वेलियंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं वेलियंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द आउटर मोस्ट शेल ऑफ एन एटम यानी कि सबसे बाहर वाला जो शेल है आउटर मोस्ट है उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स पड़े होते हैं उनको हम कहते हैं वेलेंस इलेक्ट्रॉन्स तो फिर वेलेंसी क्या होती है कंबाइनिंग पावर या कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट उसको हम वेलेंसी कहते हैं ये हम थर्ड चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं इट इज़ गिवन बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेंड लॉस्ट और शेयर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट और टू अटेन फुल्ली फिल्ड आउटर मोस्ट शेल इसका क्या मतलब हुआ ऐसे करते हैं हम एग्जाम्पल लेते हैं फ्लोरिन की ठीक है फ्लोरिन जो है इसका अटोमिक नंबर कितना होता है नाइन इट मीन्स इसके पास नाइन इलेक्ट्रॉन्स हैं अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है कि के शैल में इसके आ जाते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स और एल शैल में इसके आ जाते हैं सेवन इलेक्ट्रॉन्स यानी कि आउटर मोस्ट शैल के अंदर हुए इलेक्ट्रॉन्स सेवन अब अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए यानी कि आठ इलेक्ट्रॉन्स पूरे करने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन्स और चाहिए एक चाहिए तो फिर एक हो गई इसकी वैलेंसी हम एक और एग्जांपल ले लेते हैं सपोज कर लो हमारे पास एलिमेंट है न्योन अब ये जो नियोन है इसके पास दस इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इसके के शेल में दो और एल शेल में आठ इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो दस इसके हो गए पूरे ठीक है अब इसका जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर तो आठ इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं ऑक्टेट तो कंप्लीट है तो इसकी फिर विलेंसी क्या हुई फिर इसकी विलंसी हो गई ज़ीरो सो विलंसी पता करने के लिए ना हमने ये देखना है कि ऑक्टेट कम्प्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो गेन हो या लॉस हो या फिर शेयर हो होता क्या है जनरली हम ऐसे देखते हैं कि अगर आठ का ऑक्टेट कंप्लीट करना है तो अगर लेस देन हाफ इलेक्ट्रॉन्स हैं यानी कि लेस देन फोर इलेक्ट्रॉन्स किसी के आउटर मोस्ट शेल में हैं तो वो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको एलिमेंट जो है वो लूज करके कटाइन बना सकता है ठीक है ना तो इट मीन्स अगर किसी के आउटर मोस्ट शेल में वन टू या थ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं तो वो ही उसकी वैलेंसी हो जाएगी लेकिन अगर उसके पास चार से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं तो फिर हम कैसे करेंगे वैलेंसी कैलकुलेट उसमें क्या है देखो टोटल तो आठ चाहिए आठ में से आप माइनस कर दो तो कितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं जैसे किसी के पास अगर पाँच इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में हैं तो एट माइनस फाइव थ्री उसकी वलेंसी क्या हो जाएगी थ्री हो जाएगी इसी तरह से अगर किसी के पास छः इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आउटर मोस्ट शेल में हैं तो हम क्या करेंगे आठ में से छः माइनस करेंगे दो जो है उसकी वैलेंसी हो जाएगी हम ये सारी चीज़ें जो है ना और भी डिटेल में करने वाले हैं हम एक एक करके एलिमेंट लेते हैं एक एक करके हर एक चीज़ डिस्कस करते हैं तो हमें सारा क्लियर हो जाएगा तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम हाइड्रोजन से अब यहाँ पर आप नोटेशन देखो हाइड्रोजन की इसके पास मास नंबर कितना है वन है और अटोमिक नंबर कितना है वन है ठीक है सिंबल क्या है इसका हम यहाँ पर फिल करते हैं सिंबल हो गया एच मास नंबर क्या है वन अटोमिक नंबर क्या है वन अगर अटोमिक नंबर वन है तो नंबर ऑफ प्रोटोन्स भी वन होगा और अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा देखो मास नंबर किसके बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटोन्स प्लस न्यूट्रॉन्स मास नंबर एक है तो प्रोटॉन एक आ गया अब न्यूट्रॉन क्या हो जाएगा फिर ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि तभी तो इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो मास नंबर एक के बराबर होगा अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं प्रोटॉन्स के बराबर यानी कि एक अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी देखो के शेल में मैक्सिमम दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा बस इसकी जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन हो गई और फिर वैलेंसी क्या है वैलेंसी भी इसकी फिर एक ही होगी ये हाइड्रोजन का एक एटम है जिसमें ये न्यूक्लियस है तो न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन्स होंगे एक प्रोटॉन होगा ठीक है और एक इलेक्ट्रॉन है वो भी कौन से शेल में के में तो ये जो इलेक्ट्रॉन है आप इस के शेल में कहीं पे भी बना दो तो हो गई फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ हाइड्रोजन साथ ही हमें पता लग गया कि मास नंबर कितना है वलन्सी कितनी है अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की हीलियम तो हीलियम का सिंबल क्या है हीलियम का सिंबल है एच ई मास नंबर क्या है चार है अटोमिक नंबर क्या है टू है और नंबर ऑफ प्रोटोन्स अटोमिक नंबर के बराबर होते हैं यानी कि दो हो गए प्रोटोन्स और फिर दो ही हो गए इलेक्ट्रॉन्स भी लेकिन न्यूट्रॉन्स कितने होंगे देखो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स दो है मास नंबर चार है दो और दो प्रोटॉन्स दो न्यूट्रॉन्स अगर हो जाएं दोनों को ऐड करेंगे तो अपने आप ही मास नंबर चार हो जाएगा तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए दो अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी इलेक्ट्रॉन्स की देखो इसके पास दो इलेक्ट्रॉन्स हैं दोनों इलेक्ट्रॉन जो है वो के शेल में आ जाएंगे तो इसकी वैलेंसी क्या है देखो हमने फॉर्मूला लगाया था टू एन स्क्वेयर वाला है ना तो के शेल में फिल कर रहे हैं तो एन की वैल्यू तो वन हो जाएगी अब यहाँ पर आप फिल करो टू इंटू वन स्क्वेयर यानी कि टू यानी कि के शेल के अंदर मैक्सिमम टू इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं तो अगर इसके दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो के शेल में आ गए और इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ ही नहीं सकता यानी कि ये जो के शेल है ये क्या हो गया ये फुली फिल्ड हो गया अगर ये फुली फिल्ड हो गया तो इसकी विलेंसी क्या हो गई इसकी वेलेंसी हो गई ज़ीरो क्योंकि इसने ना किसी के साथ कोई केमिकल रिएक्टिविटी शो करनी है ना ही कोई इलेक्ट्रॉन्स का गेन और लॉस करना है तो वैलेंसी हो गई ज़ीरो यानी कि कंबाइनिंग कैपेसिटी भी इसकी जो है वो हो जाएगी ज़ीरो इसको कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी भी और एलिमेंट के साथ कंबाइन करने में क्योंकि इसका तो आउटर मोस्ट शैल जो है वो फुल्ली फिल्ड है सो so, इस तरह से हम जो है वलेंसी ऑफ द एटम जो है वो जान सकते हैं अब हम बात करते हैं नेक्स्ट एलिमेंट की लिथियम लिथियम का सिंबल क्या है एल आई मास नंबर क्या है सेवन अटोमिक नंबर क्या है थ्री अगर अटोमिक नंबर थ्री है तो नंबर ऑफ प्रोटोन्स भी थ्री है और अगर नंबर ऑफ प्रोटोन्स थ्री है तो फिर इलेक्ट्रॉन्स भी थ्री है अब न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं मास नंबर है सेवन और प्रोटोन्स तो तीन हैं अब सेवन में से थ्री माइनस करो चार आ गया तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे चार यानी कि प्रोटोन और न्यूट्रॉन के नंबर को हम प्लस करेंगे तीन जमा चार सात तो मास नंबर सात आ जाएगा अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे देखो इलेक्ट्रॉन्स तीन हैं लेकिन के शेल में तो सिर्फ दो इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं, इससे ज़्यादा तो आ नहीं सकते अब अगला जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है वो चला जाएगा एल शेल में ठीक है ये होगी डिस्ट्रीब्यूशन तो आप यहाँ पर भी देखो ये जो है एटम इसके अंदर प्रोटोन्स कितने हुए प्रोटोन्स हो गए तीन और न्यूट्रॉन्स कितने हुए चार हो गए और यहाँ पर जो के शेल है उसके अंदर तो दो इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं तो ये जो के के दो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमने यहाँ पर फिल कर दिए एल शेल में एक और इलेक्ट्रॉन आ सकता है तो कहीं पे भी आप ना एल शेल के ऊपर एक इलेक्ट्रॉन शो कर दो ये इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन हो गई विलेंसी क्या है विलन्सी एक है क्यों क्योंकि आठ का ऑक्टेट तो कम्प्लीट हुआ ही नहीं तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है लिथियम इसको लूज़ कर सकता है अगर ये लूज करेगा है ना तो लिथियम का कटाइन बन जाएगा लिथियम वन पॉजिटिव तो इस तरह से ये अपनी केमिकल रिएक्टिविटी शो करेगा और इसकी यही है कंबाइनिंग कैपेसिटी तो इस तरह से अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे करके यानी कि लूज करके ये किसी और के साथ बॉन्ड भी बना सकता है तो ये हो गया अबाउट लिथियम हम आगे चलते हैं ये है बेरिलियम ब्रिलियम का सिंबल क्या है ब्रिलियम का सिंबल होता है बी ई मास नंबर क्या है नाइन अटोमिक नंबर क्या है चार अगर अटोमिक नंबर चार है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी चार होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी चार होगा अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने हैं मास नंबर में से आप नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस कर दो आपके पास न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे सो नाइन माइनस फोर फाइव इसके पास न्यूट्रॉन्स हो गए अब इलेक्ट्रॉन्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे टोटल चार इलेक्ट्रॉन्स हैं के शेल में दो आ जाएंगे तो एल में बाकी के दो चले जाएंगे तो आप यहाँ पर भी फिल कर दो दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए के शेल में और दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर आ गए एल शेल में और अंदर प्रोटॉन्स कितने हैं प्रोटॉन्स हैं चार न्यूट्रॉन्स हैं पाँच ठीक है, है? वैलेंसी क्या हुई वैलेंसी हुई, हुई फिर दो क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है ये दो जो है वो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंसी फिर टू हो गई आगे चलते हैं ये है हमारे पास एक बोरोन का एटम तो बोरोन जो है इसका सिंबल क्या है बी मास नंबर क्या है इलेवन एटॉमिक नंबर क्या है फाइव अगर एटॉमिक नंबर फाइव है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी फाइव है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फाइव है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे देखो मास नंबर में से नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स माइनस कर दो नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स आ जाएंगे यानी कि इलेवन माइनस फाइव सिक्स न्यूट्रॉन्स हो गए अच्छा इलेक्ट्रॉन्स हो गए अब फाइव कैसे डिस्ट्रीब्यूट होंगे के शैल में तो दो से ज़्यादा आ नहीं सकते बाकी कितने रह गए तीन वो तीन जो है वो चले जाएंगे एल शैल में तो इस तरह से हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन पिलंसी क्या हुई आउटर मोस्ट शेल में लेस देन हाफ अगर इलेक्ट्रॉन्स हो तो जितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है वही उनकी वैलेंसी होती है तो यहाँ पर आउटर मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है तो तीन क्या हो जाएगी वैलेंसी हो जाएगी बोरॉन की अब फिल करते हैं प्रोटॉन्स कितने हुए प्रोटॉन्स हुए फाइव न्यूट्रॉन्स कितने हैं सिक्स अब हम इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं टू तो के में हम टू इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देते हैं इसी तरह से जो एल शेल है उसके अंदर कितने हैं थ्री तो यहाँ पर एल शेल में हम किसी भी जगह पर आप ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शो कर सकते हो तो हो गए तीन इलेक्ट्रॉन्स एल शेल में हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ बोरोन अब आगे चलते हैं ये है कार्बन कार्बन का सिंबल क्या है सी मास नंबर क्या है ट्वेल्व एटॉमिक नंबर क्या है सिक्स एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी कि सिक्स प्रोटॉन्स सिक्स इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना होगा मास नंबर में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस करो ट्वेल्व माइनस सिक्स नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो गए सिक्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे होगी छ इलेक्ट्रॉन्स हैं दो आ जाएंगे के शैल में बाकी के चार आ जाएंगे एल शेल में तो अब इसकी वैलेंसी क्या हुई वैलेंसी हो गई चार अब एटम के अंदर देखो क्या है प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स छ्यूट्रॉन्स ठीक है अब इलेक्ट्रॉन्स के शैल में कितने इलेक्ट्रॉन्स दो ही आ सकते हैं दो से ज़्यादा तो आ नहीं सकते अब चार इलेक्ट्रॉन्स आएंगे एल शेल में तो आप यहाँ पर चार जो है इलेक्ट्रॉन्स शो कर दो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कार्बन कितना इजी है ना एक बार आप अच्छे से समझ लोगे ना तो फिर बड़ा स्कोरिंग है ये पार्ट अब बात करते हैं नाइट्रोजन की तो नाइट्रोजन का सिंबल क्या है एन मास नंबर क्या है फोर्टीन अटोमिक नंबर कितना है सेवन अटोमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन सेवन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या है मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो फोर्टीन माइनस सेवन सेवन तो न्यूट्रॉन्स भी हो गए सेवन अब इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगी सेवन इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं दो आ गए के शेल में और पांच आ गए एल शेल में ठीक है न्यूक्लियस के अंदर क्या है सेवन प्रोटॉन्स सेवन न्यूट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए के शेल में और पांच हमने अब लगाने हैं एल शेल में ये हो गया एक ये हो गया दो तीन चार और पांच तो ये हो गई इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नाइट्रोजन अब आती है बारी वेलेंसी की अब वेलेंसी देखो आउटर मोस्ट शेल में पांच इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना अब वेलेंसी पांच नहीं होगी अब हमने क्या करना है कि ऑक्टेट में से जितने आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन है वो माइनस कर दो जो बचता है वो विलेंसी है यानी कि इसकी विलेंसी क्या है थ्री ठीक है जी तो जब भी आउटर मोस्ट शेल में मोर देन फोर इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे तब हमने उनको एट से माइनस करना है और जो भी नंबर आएगा वो विलेंसी होगी आगे चलते हैं अब अब हमारे पास आ गया ऑक्सीजन का एलिमेंट ऑक्सीजन का सिंबल क्या है ओ कैपिटल ओ मास नंबर क्या है सिक्सटीन अटोमिक नंबर क्या है एट अटोमिक नंबर एट तो फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी एट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर माइनस प्रोटॉन सिक्सटीन माइनस एट यानी कि एट ठीक है अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन तो आठ इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं दो आ गए के शेल में और फिर एल में कितने जाएंगे छः चले जाएंगे एल में ठीक है तो यहाँ पर न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स भी आठ हुए न्यूट्रॉन्स भी आठ हुए और के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स और अब एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आने हैं ठीक है ये हो गया एक दो तीन चार पांच, और छ छ इलेक्ट्रॉन्स पूरे हो गए अब विलंसी क्या होनी है देखो इसको हमने आठ में से माइनस कर देना है यानी कि एट माइनस सिक्स टू आ गया सो so, आउटर मोस्ट शेल के जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं आठ से माइनस किए वेलेंसी आ गई वेलेंसी टू हो गई ऑक्सीजन की आगे बात करते हैं फ्लोरीन की फ्लोरीन का सिंबल क्या होता है फ्लोरीन का सिंबल है एफ़ मास नंबर क्या है नाइनटीन अटोमिक नंबर क्या है नाइन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नाइन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो नाइनटीन माइनस नाइन यानी कि दस हो गए इसके अंदर अब न्यूट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के में कितने आएंगे दो तो नौ में से दो यहाँ आ गए बाकी कितने बच्चे सेवन सेवन आ जाएंगे एल शेल में ठीक है जी सो so, यहाँ पर प्रोटॉन्स कितने हुए प्रोटॉन्स हैं नाइन न्यूट्रॉन्स हैं टेन और के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं दो बना दो और अब एल में इसके सेवन इलेक्ट्रॉन्स आ गए एक दो तीन चार पाँच छ और सात ठीक है अब वो क्या निकालनी वैलेंसी तो ऑक्टेट में से माइनस कर दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल वैलेंसी हो गई वन ठीक है जी चलिए आगे चलते हैं अब हम बात करते हैं नियोन की तो नियोन का सिंबल क्या है कैपिटल एन एंड स्मॉल ई मास नंबर क्या है ट्वेंटी एटॉमिक नंबर क्या है टेन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी फिर टेन तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिर टेन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अब क्या करेंगे मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ट्वेंटी माइनस टेन यानी कि टेन हो गए न्यूट्रॉन्स अब दस इलेक्ट्रॉन्स हैं दो तो आ गए के शेल में और बाकी के आठ आ गए एल शेल में ठीक है तो यहाँ पर एटम में क्या है प्रोटॉन्स भी दस न्यूट्रॉन्स भी दस के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स आए दो आए और फिर आठ इलेक्ट्रॉन्स हमने बनाने हैं अब एल में एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ बन गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब विलंसी क्या है देखो आउटर मोस्ट शैल में आठ इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं आठ इसके पास हैं तो फिर विलन्सी क्या हुई ज़ीरो तो ये जो है ना नियोन इसको किसी तरह की कोई केमिकल रिएक्टिविटी दिखाने में या किसी के साथ कंबाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है इसको हम नोबल गैस कन्फिग्रेशन भी कह देते हैं दो और आठ की जिसमें वेलेंसी ज़ीरो रहती है सो दिस इज़ ऑल अबाउट नियोन आगे बात करते हैं सोडियम की तो सोडियम का सिंबल क्या है कैपिटल एन स्मॉल ए मास नंबर क्या है ट्वेंटी थ्री अटोमिक नंबर क्या है इलेवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी फिर इलेवन नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी फिर इलेवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लो अब ट्वेंटी थ्री माइनस इलेवन यानी कि बारह हो गए न्यूट्रॉन्स और अब इलेक्ट्रॉन्स हमने डिस्ट्रीब्यूट करने हैं टोटल कितने हैं ग्यारह दो ही आ सकते हैं के में आठ आ सकते हैं एल में आठ जमा दो दस हो गए एक बचा एक चला गया एम में ठीक है अब एटम में देखो न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स आ गए 11, न्यूट्रॉन्स आ गए 12, के शैल में आ गए दो इलेक्ट्रॉन्स और फिर एल में कितने आठ अब आठ बनाओ यहाँ पर एल में एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ हो गए आठ अब एम शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स वन तो एम शैल में एक इलेक्ट्रॉन बना दो तो होगी फिर इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोडियम विलंसी क्या है आउटर मोस्ट शैल में एक इलेक्ट्रॉन है तो फिर विलेंसी भी एक हो गई अब बात करते हैं मैग्नीशियम की सिंबल क्या है कैपिटल एम स्मॉल जी मास नंबर क्या है ट्वेंटी फोर अटोमिक नंबर क्या है ट्वेल्व तो फिर नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स भी ट्वेल्व नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी ट्वेल्व न्यूट्रॉन्स कितने होंगे ट्वेंटी फोर माइनस ट्वेल्व करो ट्वेल्व न्यूट्रॉन्स हो गए अब डिस्ट्रीब्यूट करो इलेक्ट्रॉन्स को के में आ गए दो एल में आ गए आठ कितने हो गए दस हो गए दो बचे अब बारह में से दो आ गए एम में तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ये हो गई दो आठ दो तो प्रोटॉन्स भी ट्वेल्व न्यूट्रॉन्स भी ट्वेल्व अब इलेक्ट्रॉन्स देखो के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स ठीक है एल में कितने आठ एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ हो गए अब एम में कितने दो तो दो इलेक्ट्रॉन्स बना दो कहीं भी पे पे? एम के ऊपर हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी पूरी वेलेंसी क्या है आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं वेलेंसी हो जाएगी दो इसकी अगला एलिमेंट है एल्यूमिनियम ठीक है एल्यूमिनियम का सिंबल क्या है कैपिटल ए स्मॉल एल मास नंबर क्या है ट्वेंटी सेवन नंबर क्या है थर्टीन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी फिर थर्टीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी थर्टीन अब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लो ट्वेंटी सेवन माइनस थर्टीन करो क्या आ जाएगा फोर्टीन न्यूट्रॉन्स हो जाएंगे इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन तेरह इलेक्ट्रॉन्स टोटल हैं दो आ जाएंगे के में आठ आ सकते हैं एल में तो फिर लगा दो आठ अब कितने बचे तीन बचे तो एम में चले जाएंगे तीन ठीक है तो यहाँ पर प्रोटॉन्स आ गए तेरह न्यूट्रॉन्स आ गए चौदह दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए के में आठ आ गए एल में एक दो तीन चार पाँच सात, आठ ठीक है एम में कितने तीन एक दो तीन हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरी वैलेंसी क्या है मोस्ट शेल में तीन इलेक्ट्रॉन है तो वेलेंसी भी हो गई तीन अब आगे देखते हैं सिलिकॉन ठीक है सिलिकॉन का सिंबल क्या है कैपिटल एस स्मॉल आई मास नंबर क्या है ट्वेंटी एट अटोमिक नंबर फोर्टीन तो फिर नंबर ऑफ प्रोटोन भी फोर्टीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फोर्टीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन देखो ट्वेंटी एट माइनस फोर्टीन करो फोर्टीन आ गए तो इसके पास प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स तीनों जो हैं फोर्टीन फोर्टीन फोटीन है अब डिस्ट्रीब्यूट करो इलेक्ट्रॉन्स के में दो एल में आठ दस तो पूरे हो गए चार बचे चार आ गए अब एम में ठीक है हो गई डिस्ट्रीब्यूशन अब यहाँ पर भी लगा देते हैं प्रोटॉन्स 14 न्यूट्रॉन्स 14 दो इलेक्ट्रॉन्स आ गए के शैल में आठ एल में दो तीन चार पाँच छ सात आठ हो गए पूरे अब एम शैल में हमने चार इलेक्ट्रॉन्स लगाने हैं ठीक है एक दो तीन और चार हो गए चार पूरे अब बात आती है वेलेंसी की वलन्सी क्या है इसकी फिर सिलिकॉन की चार तो ये हो गया अबाउट सिलिकॉन नेक्स्ट एलिमेंट है फोस्फोरस तो फोस्फोरस का सिंबल क्या है कैपिटल पी मास नंबर क्या है थर्टी वन अटोमिक नंबर क्या है फिफ्टीन तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी फिफ्टीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी फिफ्टीन अब न्यूट्रॉन्स निकाल लो मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 31 माइनस 15 कितने हुए 16 हुए न्यूट्रॉन्स अब इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करो फिर के में दो एल में आठ हो गए दस बचे कितने पंद्रह में से दस निकालो पाँच बचे ये पाँच आ जाएंगे एम शेल में ठीक है जी न्यूक्लियस में क्या हुआ प्रोटोन पंद्रह न्यूट्रॉन सोलह अब इलेक्ट्रॉन्स लगाते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स के एल में अब आठ लगाने हैं एल में फटाफट भरते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ हो गए आठ इलेक्ट्रॉन्स चलिए आगे चलते हैं एम में कितने लगाने हैं पाँच एक दो तीन चार और पाँच तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई इसकी फोस्फोरस की अब वेलेंसी देखो अब बेलेंसी देखो पांच भी हो सकती क्योंकि इसके पास आउटर मोस्ट शैल में पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं बट ऑक्टेट में से यानी कि आठ में से पांच माइनस कर दो बाकी बचा तीन तो ये तीन भी हो सकती है यानी कि या तो ये किसी से तीन ले लेगा या फिर अपने पाँच दे देगा ठीक है ना सो दिस इज अबाउट फोस्फोरस अगला एलिमेंट है सल्फर तो सल्फर का सिंबल क्या है कैपिटल एस मास नंबर थर्टी टू अटोमिक नंबर कितना है सोलह तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी हो गए सोलह नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी हो गए सोलह और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स थर्टी टू माइनस सिक्सटीन यानी कि इलेक्ट्रॉन्स फिल करो फटाफट से के में दो एल में आठ और फिर एम में कितने हुए छ चलो यहां पे भरते हैं अब प्रोटॉन्स सोलह न्यूट्रॉन सोलह 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 हो गया ये हैं अब यहाँ पर के में दो इलेक्ट्रॉन्स एल में आठ एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ हो गए आठ इलेक्ट्रॉन्स अब एम शेल में कितने लगाने इलेक्ट्रॉन तीन चार पाँच छ अब वैलेंसी क्या होगी इसकी आठ में से छ माइनस करो दो हो गई इसकी वैलेंसी ठीक है जी ये हो गया सल्फर अब बात करते हैं क्लोरीन की तो क्लोरीन का सिंबल क्या है कैपिटल सी स्मॉल एल मास नंबर क्या है थर्टी फाइव अटामिक नंबर सेवेंटीन तो नंबर ऑफ प्रोटोन सेवनटीन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेवनटीन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालो फिर अब थर्टी फाइव माइनस सेवनटीन एटीन अच्छा अब इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं फटाफट से सतारह है ना देखो दो के में आठ एल में बचे कितने सात सात आ गए एम में ठीक है यहाँ पर अब फिल करते हैं प्रोटॉन्स कितने हैं सतारह न्यूट्रॉन्स कितने हैं अठारह इलेक्ट्रॉन्स लगाओ फटाफट से दो हो गए अब के शैल में ठीक है आठ एल में फटाफट से करते हैं एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ हो गए अब एम में कितने लगाने हैं सात लगाने एक दो तीन चार पाँच छ सात हो गए अब वेलन्सी वेलेंसी कैसे निकालेंगे एट में से आप आउटर मोस्ट शेल के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स माइनस कर दो एट माइनस सेवन वेलेंसी हो गई क्लोरीन का अब आगे बात करते हैं आर्गन की आर्गन जो है इसका सिंबल क्या है ए कैपिटल आर स्मॉल मास नंबर है फोर्टी अटोमिक नंबर है एटीन नंबर ऑफ प्रोटोन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी एटीन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल लो अब फोर्टी माइनस एटीन करो यानी कि ट्वेंटी टू न्यूट्रॉन्स होते हैं आर्गन के अंदर चलो फटाफट से इलेक्ट्रॉन्स डिस्ट्रीब्यूट करो अठारह हैं दो इधर आठ इधर दस हो गए आठ आ हाँ गए एम में लो जी एम का तो यहाँ पर ऑक्टेट कंप्लीट हो गया चलो यहाँ पर देखते हैं प्रोटॉन्स 18 अठारह न्यूट्रॉन्स बाईस के शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स एल में आठ एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ हो गए पूरे। अब एम में भी बनाने हैं आठ एक दो तीन चार पाँच छ सात और आठ लो जी एम शेल भी कंप्लीट हो गया और आउटर मोस्ट शेल में आठ आ सकते हैं आठ इसके पास हैं वेलेंसी क्या हो गई वेलेंसी हो गई जीरो तो ये जो आर्गन है ये भी एक नोबल एलिमेंट है ये भी किसी और के साथ रिएक्ट करने में इंटरेस्टेड नहीं होता तो ये जो है नोबल एलिमेंट्स ये किसी के साथ भी केमिकल रिएक्शंस नहीं करते इसीलिए तो इनको नोबल एटम्स कहते हैं अच्छा अब ना कुछ क्वेश्चंस की भी बात कर लें ऐसे भी क्वेश्चन जो है ना वो फिर एग्जाम में आ जाते हैं ईजी है एक बारी समझ आ जाए तो ऐसे क्वेश्चन ईजी हो जाते हैं चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं एन एलिमेंट हैज सिक्सटीन प्रोटोन्स हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स विल बी प्रेजेंट इन के एल एंड एम शेल ऑफ इट्स एटम वॉट विल बी इट्स वेलेंसी ठीक है तो नंबर ऑफ प्रोटोन्स जो है वो हमें गिवन है कितने प्रोटोन्स हैं सिक्सटीन है तो भाई फिर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी तो सिक्सटीन ही होंगे ठीक है अब डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगी शैल लगा लो पहले के एल और एम शैल तो सोलह है दो चले जाएंगे के शैल में आठ आ जाएंगे एल शेल में हो गए दस छः बचे छः आ जाएंगे एम शेल में हो गई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी अब इसकी वैलेंसी क्या होगी देखो ऑक्टेट में से यानी कि आठ में से आउटर मोस्ट शैल में जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस नंबर को माइनस कर दो यानी कि आठ माइनस छः क्या हुई दो हो गई इसकी वेलेंसी तो इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन क्या हुई दो आठ और ठीक है जी, एक ये आंसर हो गया और वैलेंसी क्या है? दो। एक ये आंसर हो हो गया। हो गया ये क्वेश्चन सॉल्व चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट एल शेल ऑफ एन एटम इज फाइव राइट इट्स इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन एंड वॉट इज इट्स वैलेंसी तो गिवन क्या है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है उसके बारे में गिवन है कि एल शेल में फाइव इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें पूरी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बतानी है तो बोहर एंड बरी की स्कीम क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन है वो स्टेप वाइज होती है यानी कि पहले अंदर के शेल भरे जाते हैं फिर बाहर के अगर एल शेल के अंदर पांच इलेक्ट्रॉन्स हैं इट मीन्स के शेल जो है वो तो भरा होगा ना फिर तभी तो एल के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हुई है फिर के में कितने आते हैं दो इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इट मीन्स के के दो इलेक्ट्रॉन फिल होने के बाद एल के अंदर पांच इलेक्ट्रॉन्स आए हैं इट मीन्स इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टोटल कितने हो गए फिर सेवन हो गए ठीक है तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो गई दो पाँच ये हो गई इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अब वैलेंसी क्या होगी देखो आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं पांच हैं तो आठ में से पाँच माइनस कर दो वैलेंसी हो गई तीन सिंपल हो गया ये भी क्वेश्चन सॉल्व चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं क्या क्वेश्चन है एन एलिमेंट एक्स विद मास नंबर ट्वेंटी फोर एंड अटोमिक नंबर ट्वेल्व लूज इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म अटाइन विच कंबाइंस विद द दिन ऑफ एन एलिमेंट वाई वाई में क्या है मास नंबर इज थर्टी फाइव नंबर इज सेवनटीन फॉर्म्ड बाई गेनिंग एन इलेक्ट्रॉन राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एलिमेंट एक्स सबसे पहली बात तो हम ऐसे करते हैं पहले एक्स जो है ना इसके बारे में देखते हैं मास नंबर है ट्वेंटी फोर जो कि हमें यहाँ पर गिवन है और ट्वेल्व इसका अटोमिक नंबर है ठीक है अटोमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटोन्स तो नंबर ऑफ प्रोटोन्स कितने हुए बारह हो गए इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हुए फिर बारह हो गए ठीक है अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखेंगे बारह इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूट करने हैं के एल एम में देखो दो आ गए के में आठ आ गए एल में तो दो ही बचे ना फिर दो आ गए एम में यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गई दो आठ दो हो गया पहला इसका पार्ट सॉल्व दूसरा क्या है राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फॉर द एनाइन ऑफ एलिमेंट वाई अब ये वाई वाला ले लेते हैं ठीक है Y जो है इसमें मास नंबर इज़ थर्टी फाइव एंड अटोमिक नंबर इज सेवनटीन तो अटोमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ़ प्रोटोन्स सेवनटीन हो गया नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन्स भी सेवनटीन हो गया तो सेवनटीन के अकॉर्डिंगली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है दो आठ और सात दो आठ सात यानी कि दो आठ दस जमा सात कर दो तो, सेवनटीन ठीक है हो गए पूरे लेकिन यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ एनाइन मांगी है अगर ये जो है एलिमेंट वाई ये एनाइन बनाएगा यानी कि एक इलेक्ट्रॉन और लेगा ये तो इसके अंदर फिर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कितने हो जाएंगे एक ऐड करो यानी कि 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे इसके एनाइन के ठीक है ना एनायन क्या हो गया वाई माइनस ठीक है ना इसको एनायन कहते हैं ना तो अब 18 इलेक्ट्रॉन्स यहां पर डिस्ट्रीब्यूट करो एनाइन में इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन होगी दो आठ आठ हो गए अठारह ठीक है जी हो गई इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉनिकेशन कम्प्लीट इसके की अब थर्ड पार्ट क्या है राइट द फॉर्मूला ऑफ द कंपाउंड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई अब एक्स एंड वाई अगर कंबाइन करें तो फॉर्मूला क्या बनता है देखो एक्स की वैलेंसी क्या है टू और वाई की क्या वैलेंसी है सेवन है ना इसके पास आउटर मोस्ट शेल के अंदर सेवन को आठ से माइनस करो एक हुआ ना वेलेंसी हुई फिर एक ठीक है इट मीन्स एक एक्स के साथ दो वाई के एटम कंबाइन कर सकते हैं तो फॉर्मूला जो है वो बन जाता है एक्स वाई टू ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर सो so, इस तरह से क्वेश्चंस जो है वो एग्ज़ाम में आ सकते हैं ईजी है अगर आपको समझ आ गया तो फिर बहुत ईजी है स्कोरिंग भी है तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ एटम अब थर्ड पार्ट में हम करेंगे आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स तो मिलेंगे हम थर्ड पार्ट की वीडियो में सो दैट्स ऑल फॉर टुडे थैंक यू सो मच